वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं jnvmaths.com के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सुपर हैंडर्ड हरियाणा के लेवल टू की बात, और लेवल टू में हम बहुत कुछ समझने वाले हैं। लेवल टू के सबसे पहले तो हम प्रोसेस पे आते हैं कि कब होगा लेवल टू का एडमिट कार्ड इशू। पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा, इसके बाद ये रहेगा कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, यानी सिलेबस क्या होने वाला है। तीसरा टॉपिक ये रहने वाला है कि सिलेबस के बाद में एग्जाम डेट कैसे पता लगेगी, वो एडमिट कार्ड में भी पता लग जाती है, लेकिन एग्जाम डेट की जगह एग्जाम का रिजल्ट कर सकते हैं आप। चौथा प्रोसेस ये है कितना, कहाँ, कैसे, कहाँ, कितना और कैसे, ये मैं बताऊंगा क्या है, इसका मतलब बताऊंगा। ठीक है, ये चार टॉपिक है जो सुपर हिंड में आपको समझने पड़ेंगे लेवल टू के लिए। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लेवल टू के एडमिट कार्ड कब आएंगे। उसके लिए बहुत से बच्चों के पास मैसेज आ चुका होगा, बहुत से बच्चों के पास। कुछ बच्चों के पास मैसेज नहीं आया, लेकिन उसके लिए आप चिंतित नहीं होंगे, आपके पास टाइम टू टाइम 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपका मैसेज पहुंच जाएगा। एग्जाम कब होगा उसमें सारी डिटेल्स होगी, सब कुछ बयां किया गया होगा। उसके साथ साथ आपको बहुत सी बातें समझनी है कि अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आप अपने स्कूल में पूछते रहिए कि इसका एडमिट कार्ड आ गया क्या, सर इसका एडमिट कार्ड आ गया क्या, सर इसका एडमिट कार्ड आ गया। जब भी आएगा उस सर को याद रहेगा आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, पता मतलब एड्रेस, सब कुछ याद रहेगा और वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है लेवल टू का एडमिट कार्ड का, हमने प्रोसेस जो है कंप्लीट कर दिया। अब आ जाता है सिलेबस। सिलेबस में 2 तरीके के हैं, या तो मैथ्स पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा, लेकिन जो भी पढ़ना होगा इस एडमिट कार्ड में दिया होगा, इस एडमिट कार्ड में दिया होगा। दूसरा प्रोसेस है मैथ हम पढ़ा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ अगर आ जाता है उसमें बोल दिया जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा तो हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रोसेस है 3 डेज की क्लास। ये भी हो सकता है कि आपको 3 दिन बुलाया जाए और क्लास लगे और उसके बाद एग्जाम हो, लेकिन ये क्लास जो होगी 3 डेज की वो 11th बेस्ड नहीं होंगी, ना 12th बेस्ड होंगी, ये जो होगी वो 10th बेस्ड होगी। बस नॉर्मल है, आपको चैप्टर्स बता दिए जाएंगे, चैप्टर्स को थोड़ा सा रीड करवा दिया जाएगा, उसके बाद उसका एग्जाम ले लिया जाएंगे। ये दो है ना, ये सिलेबस का, ये सिर्फ इन केस बोल रहा हूँ, अगर इनमें से कुछ नहीं होता तो लगभग मेरा कहना है कि मैथ आएगा, लेकिन वो लेवल फर्स्ट के लिए है। लेवल फर्स्ट में तो मैथ ही आएगा, कोई भी भाई बता दे आपको, लेकिन लेवल टू में समस्या हो जाती है सिलेबस को लेकर। क्यों? क्योंकि इन्होंने आउट कभी इसको किया ही नहीं। तीसरा है एग्जाम का रिजल्ट। जैसे ही आप एग्जाम देंगे, पहली तो बात है एग्जाम तो ले, विभाग हमारा एग्जाम तो ले, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के कम से कम 15 से 20 दिन के बीच आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बुलाया कब जाएगा? बुलाने में अभी बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, 1.5 महीना 2 महीना लग सकता है बुलाने में। ठीक है, कहाँ, कितना और कैसे, ये है ना इसी प्रश्न से जुड़ा है। कहाँ मतलब एग्जाम कहाँ होंगे, जो कि सेंटर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए जा सकते हैं, या फिर आपको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट द्वारा एक ही जगह आपका पेपर इकट्ठा करके ले लिया जाए, पहला प्रोसेस ये है। दूसरा है कितना, कितना दिन रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितना खर्चा लग जाएगा, कुछ भी नहीं लगेगा आपको, खर्चा पानी जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तीसरा कैसे, एग्जाम कैसे लिया जाएगा, जो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि अगर सब्जेक्टिव होगा तो उसमें सब्जेक्टिव लिखा आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव लिखा आएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है MCQ, मल्टीपल चॉइस प्रश्न, यानी कुछ 4 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से 1 प्रश्न सही होगा, आपको चॉइस करनी होगी। ठीक है, और जो दूसरा वर्ड है सब्जेक्टिव का मतलब होता है उसका जो है आपसे कुछ भी प्रश्न पूछ लिया, अभी रोहन यहाँ से जा रहा है, वो जाने में इसकी स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, तो वो कितनी देर में पहुंचेगा, तो फिर इसको पूरा सोल्व करके आप दिखाएंगे, उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव। ओके, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको समझा दिया लेवल टू की कहानी को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे ही कोई और जानकारी मिलती है मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आपको हर चीज़ बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।